नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ योगेश व्यास कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर नंबर टू, टू वन जीरो और गूगल फॉर्म के लेक्चर नंबर फाइव में हम देखने वाले हैं मोबाइल वैलिडेशन कैसे करें और आधार नंबर का वैलिडेशन अगर सेट करना हो तो हम कैसे करेंगे तो चलो फ्रेंड देखते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मोबाइल नंबर में वैलिडेशन डालना हो तो कैसे डालेंगे अगर हमने किसी ने गलत मोबाइल नंबर डाल दिया तो उसे कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है आज एक वीडियो बना देता हूं आधार नंबर को भी अगर शेयर करना चाहो तो कैसे करेंगे अगर इस तरह से किसी ने गलत आधार नंबर डायर कर दिया तो नहीं आना चाहिए और वैसे भी मुझे तो इस फॉर्मेट में आधार नंबर लेना है तो वो कैसे सेट करेंगे तो चलो फ्रेंड हम यही वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपने कोई एक गूगल फॉर्म बना के रखा होगा गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैं आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं आप यहाँ पास वाले थंबनेल में जितने भी थंबनेल देख रहे हो वो सब में मैंने गूगल फॉर्म कैसे बनाना है क्वेश्चन कैसे ऐड करना है वो दिखा दिया था प्लीज वो एक बार रेफर कर लेना चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मोबाइल नंबर है सबसे पहले आपको यहाँ जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको जाना है वहां पर क्लिक करने से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वेरिडेशन हम रिस्पॉन्स वेरिडेशन में चले जाएंगे हम जैसे रिस्पॉन्स वेरिडेशन में चले जाते हैं आप देख रहे हो, हो आपको यहाँ एक पोर्शन एड हो चुका है जबकि ये यह पोर्शन यहाँ पर आ चुका है अब हमें ये पोर्शन में क्या करना है हम ये पोर्शन के अंदर यहां से नंबर में जाएंगे और लास्ट वाला चौथा ऑप्शन रहेगा रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हमें चार ऑप्शन मिलेंगे कंटेंस डोंट कंटेंस मैचेस एंड डोंट मैच तो चलो आज हम मैच फंक्शन का यूज करने वाले हम मैच सिलेक्ट करेंगे मैच सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पैटर्न टाइप करनी है कि कौन सी पैटर्न में हम मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते सबसे पहले फ्रेंड हम ये बड़े ब्रैकेट में लिखने वाले हैं हम लिखेंगे जीरो डैश नाइन इनका मीनिंग ये रहता है कि जीरो से नाइन ये रेंज में ही कोई भी कैरेक्टर लिखा जाएगा या हम क्या लिख पाएंगे जीरो से नाइन वाले ये रेंज के ही कैरेक्टर लिखेंगे ठीक है कितने कैरेक्टर चाहिए हमें हमें टेन कैरेक्टर चाहिए तो हम इस तरह से कल ब्रैकेट में टेन लिख देंगे ये हमारा एक्सप्रेशन हो चुका है अब हमें कस्टम एरर टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है हम इस तरह से कस्टम एरर भी लिख देंगे और यहाँ से रिक्वायरमेंट में हमें लिखना है रिक्वायरमेंट कर देंगे चलो इस तरह से हो चुका है एक बार देख लेंगे हम यहाँ से प्रियू में चले जाएंगे और हम देखेंगे मोबाइल नंबर हमें लिखना है चलो मैं खुद का मोबाइल नंबर लिखता हूँ 833, 4, 3, आप देखो ये वैलिड हो चुका है लेकिन अगर मेरा एक कैरेक्टर एक डिजिट मिस है आप देखो एंटर वैलिड मोबाइल नंबर जब तक आप दस दसवा नंबर का डिजिट नहीं लगाओगे तब तक ये वैलिडेशन जाने वाला नहीं है लेकिन अगर ग्यारवा कैरेक्टर लगा भी दिया तो भी आएगा नहीं कि लीव करने पर आएगा देखो अब मुझे एक बार का कम करना है जैसे मैं कम कर दूंगा ये वैलिड हो चुका है ये हो जाएगा चलो अगर यही मोबाइल नंबर को आप फाइव फाइव डिजिट के पार्ट में लेना चाहते हो मुझे फाइव डिजिट के पार्ट में लेना है बाद में बीच में एक डेस्क भी आना चाहिए ताकि अच्छी तरह से मुझे समझ में आए अगर इस तरह से आप लेना चाहते हो तो मुझे क्या करना है सिर्फ ये सारे को मुझे एक बार एक ब्रेकेट में रखना है ये ब्रेकेट में लिखने के बाद मुझे यहाँ पर फाइव डिजिट चाहिए फिर मुझे एक डेस्क चाहिए और फिर मुझे फाइव डेस्ट तो फाइव कैरेक्टर चाहिए तो मैं दोबारा फाइव यहाँ पर लिखता हूं लेकिन ए फाइव और डेस के बीच में मुझे फॉरवर्ड स्लैश और डी लिखना है चलो ए होने के बाद अब लीव हो जाएंगे अब मुझे प्रीव्यू में जाना है प्रीव्यू में जाएंगे अब मोबाइल नंबर लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ये हो चुका है लेकिन वैलिड मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा बीच में मुझे डेस चाहिए जैसे डेस लिखूंगा आप देख लो ये मोबाइल नंबर वैलिड हो चुका है तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर का भी लगा सकते हो अब बारी आती है फ्रेंड्स आधार नम्ब, आधार आधार डाइस नंबर 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 की के लिए सबसे पहले हम वैलिडेशन ऐड करने वाले हैं यहां से तीन डॉट में जाएंगे रिस्पांस वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे यहां पर भी हम चौथा नंबर लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है और वहां पर भी हमें मैच सिलेक्ट करना है और अब बारी है हमारी पैटर्न की पैटर्न में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लगा देंगे ये ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में हमें लिखना है आधार में जीरो से नाइन तक की रेंज यानी बारह डिजिट का जो आधार नंबर आता है वो इसी तरह से आता है यही कैरेक्टर रहते हैं यानी डिजिट ही है इसलिए हमें इस तरह से लिखना है फिर हमें लगाना है मोबाइल नंबर की तरह यहां बारह यानी कि बारह नंबर का आधार नंबर यहाँ एंटर करने वैलिड माना जाएगा लेकिन हमें चार चार के चार तीन 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 पार्ट बनाने हो तो कैसे करेंगे सबसे पहले ये ये तो आपको समझ में आ गया है ये बार नंबर का डिजिट ही वैलिड हो जाएगा अब मुझे क्या करना है बार की जगह मुझे चार यहाँ पर लिखना है फिर एक देश लगाना है फॉरवर्ड और डी दूसरा चार लगाए दूसरा चार, पार, चार पार्ट दूसरे चार पार्ट नंबर यहाँ फिर एक देश लगाएंगे और तीसरा पार्ट लगाएंगे फोर नंबर का चलो ये हो चुका है यहाँ पर हम कस्टम एरर नंबर दे सकते हैं यानी कि एंटर वैलिड आधार इन दिस फॉर्मेट चलो हम ये लिख देंगे एक दो तीन चार डैश एक दो तीन चार डैश एक दो तीन चार इस तरह से हमारा हो चुका है चलो एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे हम यहाँ से हम प्रीव्यू हमने प्रीव्यू कर दिया है आप देखो लो यहाँ आधार नंबर लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व देखेंगे वैलिड फॉर्मेट नहीं है तो हमें चार चार की डिजिट बनाएगी एक और दो ये देखो ये वैलिड फॉर्मेट हो चुका है अगर हमने गलती कर दी और यहां पर हमने डेस्ट लगा दिया नॉट वैलिड ये आधार फॉर्मेट सही नहीं है तो हमें क्या करना होगा वैलिड आधार फॉर्मेट में ही आधार नंबर देना है तब जाकर ये हमारा फॉर्म सबमिट हो पाएगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी अपने मित्रों के साथ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ तब तब थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं हूँ योगेश्वास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास गुड बाय